नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम दत्ता, आप देख रहे सिंपल टेक्निक चैनल, आपका मेरा सिंपल टेक्निक चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज मैं यहाँ पर बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल के क्या क्या सेटिंग करना है, इंपॉर्टेंट है जो आपको यूट्यूब चैनल पर अपना सेटिंग कर लेना चाहिए। और आपके यूट्यूब चैनल पर मैं ये भी बताऊंगा कि जैसे कि अभी यूट्यूब को अपडेट किया गया, यूट्यूब एप्लीकेशन को, तो उसमें बहुत सारी फैसिलिटी दिया गया, फीचर्स दिया गया। पहले कि आप देखते थे कि यूट्यूब चैनल में आपका साइड में जैसे कस्टमाइजेशन चल रहे करते, तो उसके साइड कॉर्नर में आपका जैसे कि स्क्रीन में मैं दिखाता हूँ, इस तरह से साइड बाई साइड में आपका सब कुछ आता था और यहाँ पर आपका सेटिंग और साइंड फीडबैक का भी आता था। अभी आप देखिएगा इसको नीचे कर दिया फ्रेंड्स, तो यूट्यूब के जो आइकन है, यूट्यूब का जो फीचर्स है, उसको बहुत चेंज कर दिया गया है। तो अभी मैं बहुत किसी को प्रॉब्लम होती होगी यूट्यूब को सेटिंग करने के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब को किस तरह से आपका सेटिंग किया जा सकता है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक वीडियो बनाया हूँ मैं, जिसमें आपको बताया हूँ कि आप यूट्यूब को किस तरह से अपना फीडबैक भेज सकते हो। कोई भी परेशानी आपको अगर हो रही है तो आप अपने यूट्यूब भेज सकते हो यूट्यूब टीम को कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है अपने फीडबैक से। वो वीडियो भी अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिए फ्रेंड्स, अगर आपको यूट्यूब को फीडबैक भेजना हो तो फ्रेंड्स। और दूसरा वीडियो मैंने एक बनाया था कि आप किस तरह से अपने चैनल को अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, सेक्शन बाय सेक्शन। वो भी वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन पर दे देता हूँ, आप आई बटन पर जाके देख लीजिएगा वो वीडियो को। चलिए यहाँ पर मैं बताता हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल के सेटिंग पर जाके किस तरह से उसको क्या क्या सेटिंग करना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि क्या क्या आपको जरूरी है इस चैनल पे सेटिंग करना और क्या क्या जरूरी है आपके लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स। नए वीडियो को स्किप कीजिएगा, नए वीडियो को रिमूव कीजिएगा, और चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, मैंने गूगल क्रोम में अपना चैनल को खोल लिया है। मेरा गूगल क्रोम में चैनल खोलने के बाद कुछ इस तरह से देख रहा है, क्योंकि मैं ये चैनल को कस्टमाइजेशन करके रखा हूँ। अभी मैं वीडियो में बताया हूँ कि आप भी अगर कस्टमाइजेशन कीजिएगा तो कुछ आपका चैनल खोलने के बाद कोई भी चैनल खुलता तो कुछ इस तरह से इंप्रेशन जाएगा फ्रेंड्स। तो मैंने गूगल क्रोम में अपना चैनल खोल लिया है। आप अगर कंप्यूटर पर कर रहे हैं तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप अगर मोबाइल पर खोल रहे हैं तो गूगल मोबाइल पर यहाँ पर थ्री डॉट पर जाकर यहाँ पर डेस्कटॉप ऐप में इसको चेंज कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर कर लिए तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए उसके बाद यहाँ पर कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कर दीजिएगा। कस्टमाइजेशन करने के बाद कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस आएगा फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आप कस्टम देखिए, मैं सेक्शन वाइज सेक्शन इसको कस्टमाइज करके रखा हूँ तो इसलिए मेरा इस तरह से खुला। अगर आप अगर कस्टमाइज़ नहीं किए तो आपका ऐसा नहीं खुलेगा, वो पूरा ब्लैंक खुलेगा फ्रेंड्स। तो मैं इसको कस्टमाइज़ करके रखा हूँ कि इसलिए मेरा इस यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप कस्टमाइज़ में खोलते हैं यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं कस्टमाइजेशन के नीचे एक म्यूज़िक का सिंबल है, उसके नीचे आपका यहाँ पर सेटिंग और फीडबैक सेंड फीडबैक का पहले आता था फ्रेंड्स। तो अभी यूट्यूब ने क्या क्या फीचर्स को चेंज कर दिया है, एप्लीकेशन को अपना अपडेट किया है, जिसके कारण अभी देखिए आपका सबसे नीचे जाइएगा तो नीचे यहाँ पर आपका सेटिंग और सेंड फीडबैक का ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड्स। यहाँ से आप सेटिंग और सेंड फीडबैक अपना भेज सकते हैं और सेटिंग में यहीं से कर सकते हो। चलिए सेटिंग पे जाके वहाँ पर क्लिक कर दीजिए सेटिंग पे। चैनल का सेटिंग खोलने के बाद कुछ चैनल का इस तरह से खुलेगा आपका चैनल, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से सेटिंग कीजिएगा। यहाँ पर चैनल में जैसा है वैसे रहने दीजिएगा फ्रेंड, आपको जाइएगा आप नेक्स्ट चैनल पर। चैनल पे जाने के बाद यहाँ पर आपका जो चैनल का नाम है वो लिखा हुआ रहेगा, चैनल का नाम, वो कंट्री आप सेट कर लीजिए, कंट्री भी आपका क्या है, आप किस कंट्री पे आते हैं, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपका इस तरह से कंट्री का ऑप्शन देगा चूज़ करने का। आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री को यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आपका कीवर्ड्स, यहाँ पर कीवर्ड सबसे मेन फैक्ट है फ्रेंड्स, आपको कीवर्ड्स देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको हिसाब से जैसे कीवर्ड्स देना है इसको कीवर्ड्स दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एडवांस सेटिंग पे चल जाइए फ्रेंड्स। एडवांस सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर एक चीज़ याद रही है, डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स। तो आप अगर बच्चे के लिए कुछ बना रहे हो जो बच्चे इस रिलेटेड, तो इसको आप ऊपर वाले में यस करके रखिए, वरना आप सेकेंड वाले पर नो पे कर दीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद अगर आप गूगल एडसेंस अकाउंट इसमें लिंक नहीं किए हैं तो इसमें गूगल एडसेंस अकाउंट को अपना लिंक कर सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से भी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आप गूगल एडसेंस अकाउंट को आप अपने यूट्यूब चैनल पे सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर सब्सक्राइबर काउंट, इसके लिए मैं अलग से सब्सक्राइबर काउंट के लिए भी एक अलग, क्योंकि ये वीडियो अगर मैं इसमें ऐड कर दिया फ्रेंड्स तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, कि अच्छा से स्टेप बाई स्टेप समझाना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसलिए मैं ये दो वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम पर समझाऊंगा। यहाँ पर सेटिंग में आपको यह पहले वाला जो दिखा दिया आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन, वहाँ पर कीवर्ड्स था और कंट्री सेलेक्ट था। दूसरा एडवांस सेटिंग में आपका यहाँ पर यस और नो पे करना था, मैं नो पे किया हूँ क्योंकि मेरे को टेक्निकल चैनल बनाता हूँ कुछ भी,
ठीक है, मैं बचे के लिए ये सब नहीं बताऊँ। फीचर क्या है इसमें, देखिए फीचर एलिजिबिलिटी पे जाइएगा, तो फीचर एलिजिबिलिटी जाने पे के बाद आपका इसमें अगर आपका कॉपीराइट रहेगा या कुछ भी डिफॉल्ट्स रहेगा तो आपका यहाँ पर ही शो कर जाता है कि आपका चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक है या फिर कॉपीराइट है, कॉपीराइट क्लेम किया गया है फ्रेंड्स। तो अगर आपके चैनल पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी गड़बड़ नहीं है, पहले ये क्या होता था, पहले यहाँ पर ही आपका चैनल के कॉर्नर पर देता था, यहाँ पर ही देता था आपका मोनेटाइजेशन का, उसी में आपका वहाँ पर ही बताता है कॉपीराइट कॉपीराइट स्ट्राइक। तो अभी फीचर्स को चेंज करने के बाद कुछ इस तरह से बताता है, यहाँ पर ही बताता है आपका फीचर्स एलिजिबिलिटी में कि आपका इनेबल सब कुछ किया गया, इसमें चैनल में अभी तक कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा सबसे मैंने यहाँ अपलोड डिफॉल्ट्स, अपलोड डिफॉल्ट्स पे जाने के बाद यहाँ पर चैनल का नाम लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन आप बढ़िया से यहाँ से अच्छा से लिखेगा डिस्क्रिप्शन को, और डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दे दीजिएगा फ्रेंड, जिसमें आपका कीवर्ड्स में आपका सर्चिंग लिस्ट में आने के लिए पॉसिबल होगा। यहाँ पर भी आपका कुछ टैग्स है, जो टैग्स आपको यहाँ पर लगा दीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपका यहाँ पर एडवांस सेटिंग, एडवांस सेटिंग में देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर लाइसेंस, लाइसेंस के लिए भी एक वीडियो बताऊँगा आपको कि यहाँ पर स्टैंडर्ड लाइसेंस, यूट्यूब लाइसेंस और क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस क्या होते हैं फ्रेंड्स। मेरा यूट्यूब लाइसेंस किया गया है, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस किया गया है, तो इसके लिए भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये दोनों में क्या फ़र्क है, ये कहेंगे इसमें अच्छे से समझाना पड़ेगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपका यहाँ आता है कैटेगरी, कैटेगरी आप अच्छे से सेलेक्ट कर लीजिए आपके चैनल का किस तरह का कैटेगरी है, कौन सा कैटेगरी है यहाँ पर। तो कैटेगरी पर जाने पर देखिए यहाँ पर ये फिल्म, फिल्म एंड एनिमेशन है, ऑटोज एंड व्हीकल्स है, म्यूजिक है, पेट्स एनिमल्स, तो आपका चीज़ रिलेटेड यहाँ पर मान लीजिए एंटरटेनमेंट वगैरह जिससे रिलेटेड से आपका वीडियो बनाते हैं, जिस रिलेटेड से आपका है वहाँ पर ये आपको सेलेक्ट कर लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद आपका यहाँ पर सेकंड में आता है यहाँ पर देखिए लैंग्वेज, ओरिजिनल वीडियो लैंग्वेज, आपको वीडियो का लैंग्वेज क्या है कि किस टाइप से आप इंग्लिश से वीडियो को बनाते हैं या फिर आपका ये क्या बोलते हैं हिंदी से वीडियो बनाते। तो मैं हिंदी से वीडियो बनाता हूँ तो इसलिए मैंने हिंदी को सिलेक्ट करके रख लिया है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन का लैंग्वेज क्या होता है फ्रेंड्स। तो मेरा इंग्लिश और हिंदी दोनों होता है, बट मैं हिंदी ज़्यादातर यूज़ करता हूँ इसलिए मैं हिंदी सेलेक्ट करके रखा हूँ। यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर उसके बाद कॉमेंट्स पर, कॉमेंट्स में यहाँ पर आप होल्ड भी कर सकते हैं या फिर हाइड भी कर सकते हैं, डिसेबल कमेंट्स करके रख सकते हैं, मैंने अलाउ ऑल कमेंट्स करके रखा है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है यहाँ यूजर कैन भी रेटिंग फॉर दिस वीडियो, हाँ इसको आपको टिक करके रखना है फ्रेंड्स हमेशा। उसके बाद कैप्शन सर्टिफिकेशन, कैप्शन सर्टिफिकेशन आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसे का नॉन का नॉन पे ही रखना है। चैनल का सेटिंग में इतना है फ्रेंड्स था, आप इस तरह से चैनल को सेट करके रखें आपका बाद में प्रॉब्लम ना हो, आपका चैनल का सर्चिंग लिस्ट में आए, चैनल आपका क्या है कि मोर देन व्यूअर्स तक पास आपका पहुँचे, चैनल आपका ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर तक पहुँचेगा। आप अगर लैंग्वेज वैंगेज सब कुछ सेट करके रखें तो आपका चैनल ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा फ्रेंड्स। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस इतना ही फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो अगर लाइक, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, जय जय भारत फ्रेंड्स।